बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अक्षीन कुरैशी और मैं हूं ज़ैनब रॉय। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज बुलेटिन में आगे देखिए। भारत पर सवालात उठने लगे, बिजली कितनी महंगी होगी, लंदन में बड़ी बैठक, खवातीन गैर महफूज और कौमी स्क्वाड का ऐलान। कर्जदारों पर अमल चाहता है, जबकि निगरान वजीर खारजा और अक्वामी मुताहिदा हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि यूएन नक्शे में मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं दिखाता और अक्वामी मुताहिदा मकबूजा कश्मीर पर भारतीय मौकिफ तस्लीम नहीं करता। जम्मू एंड कश्मीर अगेन इज सर्टेनली एन इशू ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, दैट्स द कोर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इट इज बिकॉज ऑफ दिस इशू दैट वी हैव हैड टेंशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स बिटवीन आवर टू कंट्रीज। वी वुड लाइक टू हैव पीस विद इंडिया, बट एट द सेम टाइम इट विल बी कंटिंजेंट अपॉन the resolution of Jammu and Kashmir dispute in accordance with the UN Security Council resolutions. कनाडा और भारत में कशीदगी बढ़ गई। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद मौजूद हैं। भारत हकायक सामने लाए, हम मसाइल नहीं चाहते। दूसरी जानब अमरीका ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हुए कनाडा की हिमायत का ऐलान कर दिया। अमरीका का कहना है कि सिख रहनुमा के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के कैनेडियन मीडिया के पास ठोस शवाहिद हैं। मोदी की फासिज्म का दायरा कार कनाडा तक वसी। कनाडा और भारतीय हुकूमत में कशीदगी में इजाफा। कैनेडियन वजीर आजम कहते हैं सिख रहनुमा प्रदीप सिंह के कत्ल में भारत मुलव्वस है, हमारे पास इसके ठोस शवाहिद मौजूद हैं। कैनेडियन वजीर आजम ने कहा, मसाइल नहीं चाहते लेकिन भारत हकायक सामने लाए। कैनेडा में मौजूद भारतीय सिफारतकारों की गुफ्तगू के रिकॉर्ड से भी नाकाबिले तर्दीद शवाहिद हासिल हुए। आलमी बिरादरी भी मामले पर बोल उठी। कैनेडा के इत्तेहादी ममालिक अमरीका, बरतानिया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत से तहकीकात में ताबुन का मुतालबा कर दिया। अमेरिका का कहना है कि किसी भी मुल्क को रियायत नहीं दी जा सकती। सलामती के मुशीर जैक सिल्वान ने कहा, कनाडा और अमेरिका में कोई कशीदगी नहीं है, सिख बरादरी दुनिया भर में भारतीय हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज है। रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि हिंदुस्तान से सफीर को फौरी वापस बुलाया जाए, तिजारती ताल्लुकात मुंजमित किए। भारत हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताबुन करे, यकीनी बनाए कि कत्ल में मुलव्वस अफराद का एहतसाब किया जाएगा। जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि भारत और कनाडा से करीबी रबते में हैं और अमरीका बैनुल अक़वामी जबर को ज़्यादा संजीदगी से लेता है। कनाडा में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के हाथों खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल। पाकिस्तान में मौजूद सिख कम्युनिटी भी मोदी हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। पेशावर में सिख कम्युनिटी ने एहतजाज किया, प्ले कार्ड उठाए। मुजाहरीन ने भारत के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहरीन ने हुकूमत से मामला सिफारती सतह पर उठाने का भी मुतालबा किया। शुरका ने इंसाफ की फराहमी तक एहतजाज जारी रखने का इंदिया दिया। और अब आपको बताएंगे, फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल के जरिए तमाम आज न्यूयॉर्क में अक़वामे मुत्तहिदा की इमारत के सामने भारत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा, जिसकी क़यादत चेयरपर्सन फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर गज़ाला हबीब करेंगी। वाइस चेयरमैन फ्रेंडशिप ऑफ कश्मीर अब्दुल हमीद का कहना है कि मुजाहरे में मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी। मुजाहरे में सिख रहनुमा अवतार सिंह पुनू सब साथियों समेत शिरकत करेंगे। बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। बिजली 3.28 रुपये महंगी हो गई है। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की मंजूरी दे दी है। नेपरा ने फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया, जबकि वफाकी हुकूमत कीमतों में इजाफे से मुतालिका भी मंजूरी देगी और इजाफे से सार्फिन पर 159 अरब का बोझ पड़ेगा। इजाफा माली साल 2022-23 की चौथी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। हतमी नोटिफिकेशन के बाद सार्फिन से 6 माह में वसूलियाँ की जाएंगी। हुकूमत के पास सरप्लस बिजली है। निगरान वजीर तजारत गौहर एजाज ने दुकानें जल्द बंद कराने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा, जल्दी दुकानें बंद कराने से हुकूमत को नुकसान होगा। सिंध और पंजाब से कहा है, थर से बराह रास्त बिजली खरीदने पर टैक्स इस्तेमाल होगा। बिजली चोरों के बाद गैस चोरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन होगा। अफगानिस्तान और ईरान से स्मगलिंग का हजम 5 अरब डॉलर से बढ़ गया है। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली कहते हैं, पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर काम जारी है। LNG फौरी खरीदी जाए तो बहुत महंगी मिलती है।
प्लांट यहाँ चाइना का थर कूल का आइडेंटिफाई कर 1320 मेगावाट का लग गया चाइना का, चल पड़ा उसको 1320 मेगावाट को हम व्हीलिंग के थ्रू डायरेक्ट इंडस्ट्री के लिए एलोकेट कर, और वो जो उसकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी है, उसकी कॉस्ट ऑफ एनर्जी के बाद हम जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो KEI है उसको एक व्हीलिंग चार्ज देंगे, उस व्हीलिंग चार्ज के तहत आपको वो बिजली दिलवाएंगे, जिसके अंदर से हम आपको सबको ये तमाम जो उसके गवर्नमेंट के कैपेसिटी चार्जेस, हमने इनको दिया है कि अपना वक्त 9 से 6 जो है अपने अपने कारोबार का वक्त देखें कि किस तरह, और इनको दोबारा से इनको टाइम दिया, पहले हम 9 सितंबर को बंद करने जा रहे थे 6 बजे, फिर इनको वक्त दिया है। 260 रुपए का डॉलर आज के दिन रीर के हिसाब से 90 की रीर है, 290 का डॉलर है, रीर के हिसाब से आज का 260 होना चाहिए, इन्फ्लेशन के हिसाब से 200। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन तो आपको पता है काफी अरसे से काम हो रहा है, तो उसके ऊपर हमने काम करना शुरू कर दिया है ऑलरेडी। जहाँ तक ये ऑयल की चीज है, मैंने भी इसको देखा है कि वो उन्होंने ऑफर की है, तो उससे अब इंगेज करेंगे, उन्होंने ऑफर की है, अभी तो पहले उन्होंने ऑफर नहीं की थी कि पिछले साल पाकिस्तान में जो टोटल गैस की सप्लाई, नेचुरल गैस की सप्लाई जो रही है वो 20% से कम हुई है। अब अगर एक साल में 20% हमारी गैस मुल्क की कम हो गई है तो उसका तो कोई हल नहीं है एक्सेप्ट कि लोड शेडिंग होगी। खबर देंगे कि मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, बुनेर में 150 बिजली चोरों को धरा गया, 80 लाख जुर्माना आयद कर दिया गया है। लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन 22 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बहावल नगर में भी 41 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। बिजली चोरों के खिलाफ केस्को ने भी ऑपरेशन कर दिया है और 1,88,00,000 रुपए वसूल किए गए हैं। बिलों की अदम अदायगी पर 407 नादहिंदगान के कनेक्शन मुनकता और नादहिंदगान के 14 ट्रांसफार्मर्स जब्त किए गए हैं। कोयटा के अलावा लोरालाई, कोहलू और मुस्लिम बाग में भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 6 माह में बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का बयान जज्बात में दिया था, अगर मौका मिला तो 5 साल में लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। कौम अगर मौका देगी तो इंशाल्लाह 5 सालों में 2013 से लेकर 18 तक 5 सालों में बिजली के अंधेरे खत्म करने की पूरी कोशिश करूंगा। वो मैंने कहा था कि 6 माह में हम ख़त्म करेंगे, लेकिन नवाज शरीफ ने कभी कौम से न गलत बयानी की न गलत वादा किया। किस अक्टूबर को पाकिस्तान वापस तशरीफ लाएंगे, वहाँ पर उनका फकीदुल मिसाल वहाँ पर इस्तकबार होगा। 2018 में संगीन मजाक किया गया कौम के साथ, झुरलू इलेक्शन हुए और नवाज शरीफ का मैंडेट छीन लिया गया। निगरान हुकूमत इंतखाबी मुहिम के दौरान किसी पार्टी की हिमायत नहीं कर रही है, किसी से इम्तियाजी सलूक रवा नहीं रखा जाएगा। निगरान वजीर इत्तला मुर्तजा सोलंकी कहते हैं कि बिलावल भुट्टो के दिल में कोई रंजिश है तो उन्हें इजहार का हक है, नवाज शरीफ की वापसी से निगरान हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ये बहुत वजाहत से लिखा है कि 54 दिन कम अज कम इलेक्शन की जो मुहिम है इंतखाबी मुहिम उसके लिए जब जमातों को मिलेंगे, जनवरी के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात का ऐलान होगा पूरे मुल्क में एक साथ। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का जो मामला है वो अदालतों का मामला है और कानून का मामला है कि वो आएंगे तो फिर क्या होगा, इसका ताल्लुक अदालतों से है। मुझे नहीं पता कि वो हिफाजत की जमानत लेकर आएंगे, मेरा नहीं ख्याल है कि निगरान हुकूमत का इस वास्ते से कोई ताल्लुक है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, अगर कोई दिल में कोई रंजिश हो, शिकायत हो तो ये उनका हक है। ये एक आईनी और कानूनी हुकूमत है, हम लोग किसी ट्रक पे चढ़ के इकदार पे कब्जा नहीं किया। चौधरी शुजात और आसिफ अली जरदारी की गुज़श्ता रोज़ होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। काफ लीग के सदर चौधरी शुजात और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे के लिए इलेक्शन को नागुज़ीर करार दे दिया। गुज़श्ता रोज़ होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन को इलेक्शन बरवक़्त कराने की हमायत का मशवरा दिया। और अब आपको बताएंगे शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस दोबारा से खुल गया है। अहम शख्सियात और दीगर के खिलाफ 116 रेफरेंसेस एहतसाब अदालत भेज दिए गए हैं। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागोन केस, सुप्तैन खान के खिलाफ चन्योट माइंस केस और पंजाब यूथ फेस्टिवल करप्शन केस अदालत में जमा करवा दिया गया। हाउसिंग सोसाइटी, स्टॉक मार्केट और फ्रॉड के केस भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब ने तमाम रेफरेंस अदालत को भिजवा दिया है, जबकि सखर की एहतसाब अदालत ने 58 रेफरेंसेज दोबारा से खोल दिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा एजाज और इसके अलावा सलीम मजारी, नसरुल्ला बलोच, महकमा खुराक और पब्लिक हेल्थ और
बल्दियाती अफसरान के खिलाफ भी दायर रेफरेंस शामिल हैं। जमात इस्लामी और गवर्नर सिंध में कुर्बतें बढ़ने लगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज महमूद रहमान की दावत पर कामरान टिसोरी का दारा नूर हक का दौरा, समोसों से तवाजो की गई। गवर्नर सिंध ने हाफिज नईम को गवर्नर हाउस पर धरना देर पर हलवा और बिरयानी खिलानी कर दी। बोले कराची में 25 अरब डॉलर की गैर मुल्की सरमायाकारी आएगी, दोस्त ममालिक के साथ मुआहदे हो रहे हैं। ये तख्ती लगाने का कोई शौक नहीं है, मैं क्योंकि पहुंच चुका हूं, आए हम सब मिलके इफ्तिदा कर लेते हैं। गवर्नर साहब का ओहदा देखिए, एक ऐसे पार्क में जो टाउन की डोमेन में आता है उसको बाईपास करके इफ्तिदा करने पहुंच गए। तो मैं हाफिज नईमुर रहमान साहब को भी अपने साथ लेके जाऊंगा और हम साथ खड़े होके इंशाल्लाह ताला इसका इफ्तिदा भी करेंगे। एक गलत फहमी थी, उसका इजाला हो गया। कोई गलत चीज़ किसी जगह हो जाती है, उस पर हम सॉरी भी करते हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब का टेलीफोन आया और उन्होंने मुझे कहा कि आप ये इफ्तिदा ना करें। और फिर मुझे अफसोस हुआ कि उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें फ़ोन नहीं किया था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैंने उनसे पूछा था कि आप कैसे जा रहे हैं, आपने टाउन के चेयरमैन को एतमाद में नहीं किया। इस्लामी जमात को जो उनके काम हैं, जो उनका मंशूर है, ये जेब नहीं देता कि आप गैर इखलाकी और गैर मुहसिब नारे लगाएं। कब्जा माफिया के रास्ते में हम रुकावट डालेंगे, हमारे वर्कर भी डालेंगे और आवाम भी डालेंगे। अगर कभी अल्लाह ना करे कोई ऐसी बातचीत हुई जिस पर कोई ना इत्तफाकी की तरफ जाना पड़, अल्लाह ना करे, तो मैं फिर आ जाऊंगा, लेकिन इस वादे और शर्त के साथ कि सिर्फ समोसे नहीं पकोड़े भी साथ। ये गलतफहमी थी, दूर हो गई है। मेरा ख्याल है मेहमान आए हैं, अब आप इनको वैसे भी देखें ना, इनसे तो मेरी बहुत मुलाकातें होती हैं। हुक्मरान इशराफिया की अयाशियाँ बंद की जाएँ, बिजली बिलों में बेजा टैक्सेस भी खत्म किए जाएँ, महंगाई के खिलाफ इस्लाम में जमात इस्लामी का एहतजाज, गवर्नर हाउस लाहौर के सामने उन्हें दूसरे रोज़ भी धरनामी। जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब में कहा कि खिलाफ जुलूस निकालने वालों ने 16 माह बे इंतहा महंगाई की है और माफियास ने पैसे बनाए हैं, साबिका हुकूमतों ने मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया। पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ तो पुराना दौर लौट आया, सखर में शहरियों ने तांगे पर सफ़र करना शुरू कर दिया। तफसीलात शाहिद अली की रिपोर्ट में देखिए। कराची में राह चलती खवातीन गैर महफूज, नॉर्थ कराची में खातून को हरासा करने का एक और वाकया, सेक्टर में गली से गुजरती खातून को हरासा किया और फरार हो गया। वाकई की CCTV फुटेज सामने आ गई जिसमें मुलजिम का चेहरा वाजे देखा जा सकता है। मोटरसाइकिल सवार के फरार होने के बाद खातून सहम गई, पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। शहर कायद में मुख्तलिफ पुलिस मुकाबले, इब्राहिम हैदरी में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला, जबकि मुलजिम नूर अमीन जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है और डाकू का साथी फरार हो गया। क्लिफ्टन पुलिस ने भी मुकाबले के बाद जख्मी मुलजिम को धर लिया है। माइकोलाची में भी पुलिस मुकाबला, जहीर अली नामी मुलजिम जख्मी हालत में पकड़ा गया। लियारी में पुलिस ने मुकाबले के बाद गैंग वॉर के कारिंदे को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया और मुलजिमान के कब्जे से असलहा और छीना गया सामान भी बरामद कर लिया गया। रानीपुर में कमसन फातमा का कत्ल, मामला सुलझ ना सका, पुलिस ने मरकजी मुलजिम पीर असद शाह के ससुर पीर फयाज शाह को धर लिया। मुलजिम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वापस जा रहा था, मुलजिम ने कुरान पर हल्फ उठाया कि वो इसका खानदान बेगुनाह है, उन्हें सियासी मुखालफी ने केस में फंसाया है। पुलिस ने पीर फयाज शाह को गिरफ्तार करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया। पीर फयाज शाह ने 2 रोज़ पहले सिंध हाईकोर्ट हैदराबाद बेंच से जमानत हासिल की थी। लाड़काना में पुलिस की कार्रवाई, चंद रोज़ पहले छीना गया 20 तोला सोना, 4 लाख रुपए और मोबाइल फ़ोन समेत मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। डकैती करने वाले मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक डाकू शिकारपुर से छीना गया सामान सखर में फरोख्त करने जा रहा था। कच्चे के डाकुओं के खात्मे का हतमी फैसला, निगरान वजीर आला सिंध ने कच्चे में ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। एपिक्स कमेटी के इजलास में मकबूल बाकर बोले, क्या वजह है कि चंद डाकू हमारे कानूनी इदारों के काबू में नहीं आ रहे, डाकुओं को हर सूरत में कानून के दायरे में लाना होगा। अफसोस की बात है कि डाकुओं की वजह से गोटके और कश्मीर के पुल का काम बंद है। रबीउल अव्वल के मौके पर दुनिया भर की तरह फ्रांस में भी सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियां मनाने का सिलसिला जारी है। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। महफिल मिलाद में सैकड़ों आशिकान मुस्तफ़ा ने शिरकत की है और ईद मिलादुलनबी के बाबरकत लम्हात में अहलियान फ्रांस के दिलों में इश्क मुस्तफ़ा की जोत जगाएगी।
सिंध हुकूमत ने 11 और 12 रबीउल अव्वल को डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी। महकमा दाखिला सिंध ने रबीउल अव्वल की सिक्योरिटी के मुनासबत से पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हैदराबाद और दादू में 11 और 12 रबीउल अव्वल को मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर पाबंदी होगी। घोटकी में 12 रबीउल अव्वल को मोटरसाइकिल के डबल सवारी पर पाबंदी होगी, जबकि लाड़काना, कुंबर शहदादकोट, कश्मोर, जैकबाबाद और नवाबशाह में 12 रबीउल अव्वल को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कश्मीरी और हुर्रियत रहनुमा मीरवास उमर फारूक को 4 साल बाद रिहा कर दिया गया है। भारतीय हुकूमत ने 4 साल नज़रबंद रहने के बाद मीरवास को रिहा कर दिया, जबकि कश्मीरी रहनुमा को कश्मीर की आइनी खुदमुख्तारी मंसूख करने के वक्त गिरफ्तार किया गया था। गुज़िश्ता हफ्ते एक अदालत ने भारतीय हुकाम से हिरासत के मामले में वजाहत तलब की थी। बाद अज़ां मकबूजा कश्मीर की पुलिस ने इन्हें मुतला किया था कि हुकाम ने इन्हें रिहा करने का फैसला किया है। उन्होंने जुमे के खिताब में कहा कि मेरी नज़रबंदी और अपने लोगों से अलहदगी का ये दौर मेरे लिए मेरे वालिद की मौत के बाद सबसे ज़्यादा तकलीफदार है। खेलों की खबरों में आपको बताएंगे हसन अली को टीम में क्यों शामिल किया। चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने वजह बता दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा फास्ट बॉलर्स में ऑप्शन कम थे। हसन अली ने लंकन लीग में अच्छा खेल पेश किया, नसीम शाह वर्ल्ड कप के बाद भी जल्द नहीं खेल सकेगा। फास्ट बॉलिंग में ना हमारे पास ज़रा थोड़ी सी ऑप्शन ना कम थी कि थोड़ी सी इंजरीज का हमें सामना करना पड़ रहा था। और ये हसन अली जो चॉइस है, अगर आपने इसको लंकन प्रीमियर लीग में खेलता हुआ देखा हो या दूसरी इसकी परफॉर्मेंस है, इसने बेहतर परफॉर्म किया है, एक्सपीरियंस बॉलर है। ठीक है कि जी थोड़े अरसे से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन मेगा इवेंट्स ये पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है और वहाँ इसने परफॉर्मेंस दे रखी है बड़े इवेंट्स में। और हमें जैसे ये नसीम शाह बाहर हुआ, हमें नए बॉलर, ऐसा बॉलर ज़रूर चाहिए क्योंकि जो नया बॉल पे ना बॉलिंग कर सके, तो मेरे ख्याल में उसमें हसन अली बेहतरीन चॉइस है। सारों को पता है कि आमिर बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा है, उसने रिटायरमेंट ले ली थी। अगर वो पाकिस्तान से खेलना चाहता है तो ज़रूर है, सारों के लिए दरवाजे ओपन हैं। आप अपनी फर्स्ट क्लास आके खेलें, वहाँ आप परफॉर्मेंस देंगे, आपको ज़रूर कंसिडर किया जाएगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अब तक भारतीय वीज़े जारी ना हो सके। ज़रा के मुताबिक पीसीबी ने आईसीसी को मसले से मुतालिक आगाह कर दिया। माहिदे के मुताबिक बरवक्त वीज़े जारी करने का कहा था। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान स्क्वाड और फैंस के वीज़ों के हवाले से नहीं बताया गया। पीसीबी एक हफ़्ते में भारतीय हाई कमीशन से रابطे में है। एक हफ़्ते से वीज़ों के जल्द इजरा के हवाले से कहा गया है, लेकिन हफ्ते के आखिरी रोज़ में वीज़ों का इजरा ना हो सका। पाकिस्तानी स्क्वाड ने 26 सितंबर को बरास्ता दुबई भारत रवाना होना है और पाकिस्तान का पहला वार्म अप 29 सितंबर को न्यूजीलैंड से शेड्यूल है। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो तेज सवालात के सेशन में स्टार बल्लेबाज ने कमाल सबसे काम लिया। लाहौर में एक तकरीब के दौरान मीडिया से टाकरा बाबर आजम ने तल्ख और कड़वे कसीले सवालात का मर्दाना वार सामना किया, माथे पर शिकन तक ना लाए। इंडिया में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम की परफॉर्मेंस से मुतालिक सवाल का किंग ने कुछ यूं जवाब दिया। मुखालिफ लॉबी की पूरी कोशिश है कि पाकिस्तानी कप्तान कोई मौका दें और वो राय का पहाड़ बनाकर ग्रीन शर्ट्स की वर्ल्ड कप कैंपेन को मुतासिर कर सके। आईसीसी ने इंडिया में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में प्राइज मनी का ऐलान कर दिया है। मेगा इवेंट के चैंपियन टीम पाकिस्तानी करेंसी में 146 करोड़ रुपए के हकदार ठहरेगी, जबकि फाइनल हारने वाली रनर्स अप टीम को 55 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सेमीफाइनल मरहले पर इवेंट से बाहर होने वाली टीमों को 21 करोड़ रुपए का खतीर इनाम मिलेगा, जबकि ग्रुप स्टेज के मुआरकों में फातेह टीम को हर मैच जीतने पर 2.8 करोड़ रुपए से नवाजा जाएगा। वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का हिस्सा बनने पर खुशी का इजहार। फास्ट बॉलर हसन अली ने एक्स ट्विटर पर दी जनरेटर बैक के कैप्शन के साथ तस्वीर पोस्ट की। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए लिखा कि अपने मुल्क के लिए वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिलने पर बहुत खुश हूँ। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सऊदी अरब और यमन में तनाज बरकरार है। यमन के हौसी बागियों की मशकें, सऊदी अरब ने भी फौजी मशकों के करके हौसी बागियों को जवाब दिया। सऊदी अरब की फौजी मशकों में जदीद किस्म के जंगी जहाज़ों ने हिस्सा लिया। खुशबुओं के शहर से इंसानियत का पैगाम, पेरिस में ह्यूमन राइट्स वॉल तामीर कर दी गई है। दीवार पर मुख्तलिफ किस्म की पेंटिंग्स करके इंसानियत का दर्स दिया गया। बताएंगे कि खुशबुओं के शहर से इंसानियत का पैगाम दिया गया है। पेरिस में ह्यूमन राइट्स वॉल तामीर कर दी गई है। दीवार पर मुख्तलिफ किस्म के पेंटिंग्स करके इंसानियत का दर्स दिया गया है।
रोमन हमलावरों ने सेलेक्ट मलिका के शौहर कत्ल कर दिया है, जबकि मलिका अपना तख्त वापस कैसे लेगी। हॉलीवुड फिल्म बोडिका क्वीन ऑफ वॉर का ट्रेलर जारी, फिल्म 26 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।